नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर कारण बाइक हिंदी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फेस्टिव सीजन आ गया है, दिवाली आने वाली है। इसका एक ही मतलब है कि एक के बाद एक धड़ाधड़ नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं और होती रहेंगी अगले कुछ समय तक। तो अगस्त में कई नई कार्स आई और सितंबर में भी ऐसा ही होने वाला है, कई नई गाड़ियां आने वाली हैं। और कोई हैरानी की बात नहीं है कि सारी की सारी SUVs ही हैं, अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग साइज में, अलग अलग इंजन ऑप्शंस के साथ। तो आज के वीडियो में नजर डाल रहे हैं कौन सी हैं वो 5 नई SUVs जो सितंबर में भारत में लॉन्च होंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम मिलते रहें और आपको लगातार नई कार्स और बाइक्स यहाँ दिखाते रहें। सबसे पहले वो कार जिसका आपको बहुत ही लंबे समय से इंतजार था और महीना शुरू होते ही ये कार भी लॉन्च हो जाएगी। जी हाँ, बात कर रहा हूँ टाटा कर्व की। अब आप बोलेंगे कर्व तो पिछले महीने लॉन्च हो गई थी, तो पिछले महीने कार का इलेक्ट्रिक मॉडल आया था। अब सितंबर शुरू होते ही कार के पेट्रोल और डीजल मॉडल भी लॉन्च हो जाएंगे और यहाँ आपको मिलेंगे ढेर सारे इंजन गेयरबॉक्स ऑप्शंस और बहुत सारे फीचर्स। तो पेट्रोल डीजल दोनों हैं, ऑटोमेटिक मैनुअल भी है और पेट्रोल में तो दो ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। और पहली बार आपको इस सेगमेंट में DCT के साथ डीजल भी देखने को मिल जाएगा। फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे मॉडर्न प्रीमियम एलिमेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे। ऑफकोर्स हाई क्वालिटी अपहोल्स्ट्री है, गुड क्वालिटी की फिनिश है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, इलेक्ट्रिक सीट्स हैं और आपको बढ़िया टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ यहाँ मिल जाता है और स्पेस की तो भरमार है, आपको हमने वीडियो में पहले दिखा ही चुके हैं। हम जल्दी इस कार की ड्राइव भी करेंगे और आपको टाटा कर्व के पेट्रोल और डीजल मॉडल्स के बारे में सब कुछ बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा 2 सितंबर को लॉन्च होगी, तो जल्दी अगर आप इस कार का इंतजार कर रहे थे तो आप इसको खरीद भी पाएंगे। इसके बाद नंबर होगा Hyundai Elcazar फेसलिफ्ट का। ये कार काफ़ी पॉपुलर रही है बाजार में और 9 सितंबर को कंपनी इसका एक मच अवेटेड फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है जिसमें काफ़ी क्यूज मिलेंगे नई Hyundai Creta फेसलिफ्ट से जो इस साल जनवरी में आई थी। तब से ही हमें Elcazar का इंतजार था और अब कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि 9 सितंबर को इसका लॉन्च किया जाएगा। काफ़ी बदलाव किए गए हैं, काफ़ी फर्क आया है पिछली कार से अगर कंपनी की माने तो। कुछ डिटेल्स हमारे साथ कंपनी ने शेयर करी हैं, तो ये तो पता ही है कि इसमें पेट्रोल डीजल दोनों इंजन आपको मिल जाएंगे और मैनुअल ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। ऑफकोर्स वो ट्रिम पर डिपेंड करेगा कहाँ क्या फीचर आपको मिलता है। और खासियत Elcazar की है इसकी सेकेंड रो की कैप्टन सीट्स, क्योंकि काफ़ी लोग इस कार को सेकंड रो पे बैठने के लिए ही खरीदते हैं तो वो आपको यहाँ मिल जाती है। बेंच सीट का ऑप्शन भी आपको इस कार के साथ मिलना चाहिए और ऑफ कोर्स थर्ड रो तो है ही, वो भी एक खास फीचर है Elcazar का Creta के मुकाबले। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो Elcazar आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है मार्केट में। कैबिन फीचर से भरा होगा जैसा कि हर Hyundai कार में होता है, तो बड़ी टच स्क्रीन मिलेगी, कनेक्टिविटी मिलेगी, वायरलेस चार्जर्स मिलेंगे, सब कुछ आपको Elcazar दे देगी। और बड़ी बात यह कि इसमें आपको Level 2 ADAS फंक्शंस भी मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए Hyundai Elcazar के लिए। अगर आपको इस कार का इंतजार था तो Creta की सारी खूबियां, नई Creta के सारे फीचर्स, एक अलग डिज़ाइन जिसमें खास है इसके हेडलैम्प्स पे Hyundai की फेमस H शेप की DRL, वो भी आपको नई Elcazar में मिल जाएंगी। तो 9 सितंबर को होगा इसका लॉन्च और तब पता चलेंगी क्या है कीमतें इस नई SUV की। लेकिन Elcazar से कुछ दिन पहले यानी 5 सितंबर को आएगी एक भारी भरकम लग्जरी SUV जो अब इलेक्ट्रिक बन गई है। बात कर रहा हूँ Mercedes Maybach EQS 680 की। इस कार को कंपनी लॉन्च करने वाली है भारत में और आपको मिलेगी सारी की सारी लग्जरी जो आप Maybach की कार्स में देखते हैं, SUV का फील, लेकिन साथ में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक ऑप्शन। तो अब ये कार बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं फैलाएगी, ये चलेगी बैटरीज के ऊपर और कंपनी से बढ़िया रेंज का दावा कर रही है। इंटरनेशनली कार बिकती है, 600 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज मिलती है, डुअल मोटर का ऑप्शन है और आंकड़े काफ़ी मज़ेदार हैं। 650 BHP, 950 NM इलेक्ट्रिक कार में वाकई ये शानदार आंकड़े हैं। और मर्सिडीज है, लग्जरी है, बिल्कुल टॉप ऑफ द एंड व्हीकल है, तो यहाँ फीचर्स की तो भरमार होने वाली है। तो आगे मिलेगी कनेक्टिविटी, हाइपर स्क्रीन, वेंटिलेशन के फंक्शन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन पिछली रो इसकी होगी हाईलाइट, तो आपको मिलेगी बेंच सीट या आपको मिलेगी एग्जीक्यूटिव सीट्स अलग अलग जो आपको फील देने वाली हैं बिजनेस क्लास का। हम इसे Maybach SUV भी देख चुके हैं और यही कुछ हम इस EQS Maybach में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी पावर, बहुत सारी लग्जरी, लेकिन साथ में एक इलेक्ट्रिक कार जो प्रदूषण नहीं फैलाएगी। 5 सितंबर को होगा लॉन्च, तब पता चलेगा क्या है इसकी शुरुआती कीमत। ग्यारह सितंबर को भारत में आएगी एक और इलेक्ट्रिक कार, ये है MG Windsor EV। ये देश में कंपनी की तीसरी EV होगी
सेडेस ईवी और कॉमेट ईवी के बाद, और यहाँ कंपनी एक के बाद एक हमें टीजर दिखा रही है बताने के लिए कि यहाँ आपको किस तरह के फीचर्स मिलते हैं। लंबी लिस्ट है, इसमें आपको मिलेगा एक बड़ा ग्लास रूफ, साथ में ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स, 18 इंच के अलॉय व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल्स और इलेक्ट्रिक टेलगेट, साथ में सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। कैबिन की बात करें तो बड़ी 15.6 इंच की टच स्क्रीन लगी है, साथ में 360 व्यू कैमरा है, 8.8 इंच का डिजिटल क्लस्टर है, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट है और इलेक्ट्रिक पैसेंजर सीट भी आपको यहां दी गई है फ्रंट रो में। हालांकि जो हाईलाइट है वो सेकंड रो का रिक्लाइन फंक्शन है जो यहां को एक सोफा वाली फीलिंग देगा और आप लंबे सफर पर आराम से जा सकते हैं। आंकड़ों की बात करें तो यहां लगी है 50.3 किलोवाट आवर की बैटरी जो आपको देती है 134 PHP और 200 NM, और अगर रेंज की बात करें जो काफ़ी अहम है तो यहां आपको एक चार्ज में मिलेगा इस सिंगल मोटर वेरिएंट में 460 किलोमीटर। और अंत में है एक और SUV जो सितंबर के महीने में भारतीय बाजार में आ सकती है, जिसका हम सबको काफ़ी टाइम से इंतज़ार है, वो है टाटा नेक्सॉन का CNG मॉडल। जी हाँ, इस कार को कंपनी ने कहा था कि शायद फेस्टिव सीजन में लॉन्च करेगी, तो सितंबर वो महीना हो सकता है जब नेक्सॉन CNG लॉन्च हो। इसमें आपको ऑफकोर्स पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या क्या ऑप्शन इसमें देती है, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, और कितना आपको माइलेज मिलेगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ख़ास बात यह है जो कंपनी ने हमको दिखाया था इस साल भारत मोबिलिटी शो में, वो ये कि नेक्सॉन CNG में आपको डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, तो आपको बढ़िया बूट स्पेस मिलता है। एक बड़ा CNG टैंक नहीं है, दो छोटे CNG टैंक हैं जो हमने कंपनी की दूसरी कार्स में भी देखा है, उससे आपको सामान रखने की काफ़ी जगह मिल जाएगी, तो आपको अच्छे माइलेज के साथ बढ़िया प्रैक्टिकलिटी भी मिल जाएगी। एग्जैक्टली कितना माइलेज है या कितनी कीमत है उसका वेट हमें करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कंपनी कार को कब लॉन्च करती है। तो ये थी वो सारी कार्स जो सितंबर में भारत में लॉन्च होने वाली हैं। क्या आपको है इनमें से किसी का इंतज़ार, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और क्यों है इंतज़ार ये भी ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।